नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ चेस स्पेस इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल रीगा में, जो कि लातविया में है, रूस के ठीक बाजू में, वहां पर खेला गया फीडे ग्रैंड प्रिक्स। जो दूसरी फीडे ग्रैंड प्रिक्स चल रही है, पहले इससे पहले एक हो चुकी है और ये रीगा में चल रही है दूसरी फीडे ग्रैंड प्रिक्स में पहला राउंड खेला गया। आप जानते हैं जैसा कि इससे पहले जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको नेपो नियची ने जीता है, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, और ये दूसरी ग्रैंड प्रिक्स है। कुल मिला के ऐसी चार ग्रैंड प्रिक्स होंगी और उसमें से जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा, हर खिलाड़ी को कम से कम ज्यादा से ज्यादा तीन ग्रैंड प्रिक्स वो खेल सकते हैं चार में से, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा, सबसे अच्छा स्कोर करेगा, वो दो खिलाड़ी जो है उनको जगह मिलेगी फीडे कैंडिडेट में। कैंडिडेट वो टूर्नामेंट होता है जिसे जीत करके कोई भी खिलाड़ी विश्व चैंपियन को चैलेंज करता है, मतलब उसका चैलेंजर बनता है। तो भारत से ये बात इसलिए जुड़ी हुई है कि भारत के पेंटाला हरिकृष्णा जो है वो इस ग्रैंड प्रिक्स का हिस्सा है और वो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो कि इस ग्रैंड प्रिक्स का हिस्सा है। पहले ग्रैंड प्रिक्स में वो नहीं खेले थे, लेकिन अब आने वाली जो तीनों ग्रैंड प्रिक्स हैं इसको मिलाकर के जो कि रीगा में चल रही है, तीनों में नजर आएंगे पेंटाला हरिकृष्णा। चूंकि फॉर्मेट नॉकआउट है तो हर मैच महत्वपूर्ण है और पहले ही राउंड में हरिकृष्णा का मुकाबला हो गया है जो कि लाइव रेटिंग में विश्व नंबर चार तक पहुंच चुके हैं, वेस्ली सो उनसे मुकाबला हुआ है, तो काफी कठिन प्रतिद्वंदी मिला है यहाँ पर हरिकृष्णा को। हारने की स्थिति में हरिकृष्णा टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। खैर, बात करते हैं पहले राउंड के पहले गेम की, जिसमें हरिकृष्णा ने काले मोहरों से खेलते हुए वेस्ली सो को ड्रॉ पे रोका। इससे पहले कि हम मैच देखें, अच्छी बात यह है कि हरिकृष्णा ने काले मोहरों से ड्रॉ पे रोका। इसका मतलब है कि आज हरिकृष्णा वेस्ली सो का मुकाबला सफेद मोहरों से करते हैं। मान लीजिए कि हरिकृष्णा आज भी मुकाबला ड्रॉ करते हैं तो मुकाबला टाई ब्रेक में जाएगा, जहां पर पहले रैपिड और फिर ब्लिट्ज मुकाबले खेले जाएंगे। रैपिड में अभी टाटा स्टील रैपिड टूर्नामेंट में, जो कि पिछले साल भारत में हुआ था, उसमें हरिकृष्णा ने वेस्ली सो को रैपिड में भी हराया था और ब्लिट्ज में भी हराया था। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है हरिकृष्णा के लिए, जो कि उनके फायदे में जा सकती है। देखना होगा कि आज वो कैसा मुकाबला खेलेंगे। खैर, बात करते हैं पहले गेम में क्या हुआ, तो बात करते हैं उनके गेम की। गेम खेला गया किंग पॉन ओपनिंग में, इटालियन ओपनिंग हुई और इस ओपनिंग में काफी मुकाबले हम इस समय देख रहे हैं। कमोबस अगर 10 खिलाड़ी जो है वो राइट पिच खेल रहे हैं, तो कम से कम 5 खिलाड़ी इटालियन ओपनिंग पे भी हाथ आजमा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो कमोबस कुछ मिलता जुलता आता है बहुत सारे वेरिएशंस में। खैर, देखते हैं C3, नाइट F6, D3 जैसा कि स्लाइड में खेला जाता है, D6, और यहाँ पर हमने देखा होगा कि कई बार बिशप B3 लाइन हो सकती है, जो कि सामान्यतः खेली जाती है। तो यहाँ पर वेस्ली सो ने चुनाव किया कैसल A6, मतलब क्वीन साइड से जगह बनाते हुए यहाँ पर हरिकृष्णा ने अपने बिशप को अंदर ले जाने के लिए जगह बना ली। साथ ही साथ किसी भी तरह का अगर फ्यूचर में B4 या D4 से ब्रेक आता है तो उसके अपने एक बिशप को एक प्रकार से सुरक्षित कर लिया और तैयारी कर ली कि कभी जरूरत पड़ेगी तो क्वीन साइड से प्ले कर सकते हैं। ओके, रुक E1 खेला यहाँ पर वेस्ली सो ने। यहाँ पर कई लोग A4 भी खेलते हैं, A4, H6, नाइट BD2। तो इससे पहले हरिकृष्णा ने अभी सेंजन मास्टर्स में इस लाइन पे मैच मुकाबला खेला था और जीत यहाँ पर वो जीते भी थे, यू यांगी को हराया था उन्होंने। मैं आपको बता दूँ इस मुकाबले में, हमने वो मुकाबले पे वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। रुकी 1 रुकी 8 कुछ इस तरह से वो मुकाबला हुआ था और काफ़ी अच्छी काले मोहरों से जीत दर्ज की थी हरिकृष्णा ने उस मुकाबले में, और ये मैच काफ़ी चला था, इसका पूरा मैच आप जाकर के देख सकते हैं। खैर, तो इस बात को ध्यान रखते हुए शायद उन्होंने वेरिएशन चेंज किया, Rook E1 खेला यहाँ पर, A4 नहीं खेला। ओके, हरिकृष्णा ने जवाब दिया बिशप A7, एक प्रकार से प्रोफिलेक्सिस मूव है, कभी B4 आएगा D4 आएगा तो बिशप ऑलरेडी अपनी जगह पे जा चुका। अब खेला यहाँ पर वेस्ली सो ने A4, जवाब दिया कैसल H3, बिशप G4 को ना सिर्फ स्टॉप करना, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो नाइट के लिए भी जगह बनाना, किंग की भी एक सेफ्टी, और अल्टीमेटली ये जो नाइट का मैनूवरिंग करते हैं कई बार यहाँ से यहाँ यहाँ, उसमें भी किसी तरह का कोई बाधा ना आए बिशप G4 के जरिए, तो H3 एक इंपॉर्टेंट मूव है। ओके, H6 खेला यहाँ पर ब्लैक ने, नाइट BD2, Rook E8 खेला यहाँ पर हरिकृष्णा ने। अब यहाँ पर B4 खेला वेस्ली सो ने, जो कि नॉवेल्टी है। अब वाइट का आइडिया जो है वो चाह रहा है कि क्वीन साइड से प्रेशर बनाना चाह रहा है, क्वीन साइड से यहाँ से कुछ प्रेशर बनाते हुए अटैक करना चाहते हैं। अच्छा, जनरली जैसा कि हमने देखा है कि नाइट F1, बिशप E6 कुछ इस तरह के वेरिएशन हमें देखने के लिए नजर आते हैं, कई बार खेला गया ये। मार्टिन क्रास्टीव और एम पार्लीग्रास, एक प्लेयर है हंगरी, उनके बीच हंगरी में मुकाबला जो हुआ है उसमें मार्टिन क्रास्टीव को हार का सामना करना पड़ा था।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारे गेम्स सारी स्टडी की होती है विश्व के जो शीर्ष खिलाड़ी है वेस्ली सो जैसे खिलाड़ी के बिफोर। बिशप ई सिक्स खेला यहाँ पर, तो एक्सचेंज किया बिशप। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि रुक ई सिक्स आ चुका है। रुक ई सिक्स एक ऐसा स्क्वायर है कि रुक देख सकते हैं कि भाई इधर तो नहीं खेलने वाला है, इधर जो फाइल है वो ऑलमोस्ट बंद है, वापस जाने का कोई मतलब है नहीं। तो रुक ई सिक्स इस तरह के वेरिएशन में जब भी हरी कृष्णा का आता है ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है कि बाद में ये शिफ्ट होकर के अगर नाइट वगैरह हटता है तो किंग साइड जो है कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ये एक्सचेंज जो होता है ब्लैक हरी कृष्णा हमेशा इसके लिए तैयार दिखते हैं, जब कभी भी ई6 पे एक्सचेंज होता है तो वो अपना बिशप देने के लिए तैयार रहते हैं ताकि रुक जो है वो बाहर आए जब भी आपको बिशप एक्सचेंज करना हो। तो ठीक है, क्वीन सी टू, क्वीन डी सेवन, समहाउ क्वीन डी सेवन भी एक अच्छी चाल है। ना सिर्फ आपने रुक को पीछे से फ्री कर रहा है बल्कि क्वीन की नजरें जो है वो किंग साइड पर लगी हुई है। ओके, नाइट एफ फाइव, जैसा कि हमने बोला कई बार इस लाइन में हम देखते हैं किस तरह से नाइट जो है यहाँ से शिफ्ट होकर एफ फाइव स्क्वायर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, या कई बार ई थ्री स्क्वायर को इस्तेमाल करके डी फाइव को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ओके, डी फाइव तो इमिडिएटली ब्रेक दिया यहाँ पर सेंटर पर। तो अभी अगर आप स्थिति देखें तो ब्लैक को अभी भी वाइट को कुछ मोहरों की स्थिति तय करना बाकी है कि ये मोहरे कहाँ जाएंगे। ब्लैक के हिसाब से देखें बिशप गेम में उतना भी बाहर नहीं है और ये रुक जल्दी से खेल में आ सकता है। ओके, बिशप ई थ्री, तो ये एक प्रकार से फोर्स किया कि भाई या तो आप इसको एक्सचेंज करो, एक अच्छी चाल कही जाएगी वेस्ली सो की, क्योंकि अभी आप इसको छोड़ के आ नहीं सकते, अदरवाइज आपका नाइट ही हम आउट ऑफ प्ले कर देंगे या बी फाइव करके फोर्स करेंगे चेंज करने के लिए। तो इट्स बेटर ऑप्शन कि यहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स किया कि चेंज करो, इससे क्या होगा कि नाइट की स्थिति सुधर गई, वो नाइट जो एफ वन पर था वो ई थ्री पर आ गया। ठीक है, रुक डी एट, तो अब वाइट का सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए एक मोहरा जो है वो खेल में आना बाकी है वो ये। अगर आप उसको सिंपल खेलते हैं सेंटर पे लाके तो एक प्रकार से ब्लैक बेटर हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट मूव ब्लैक का है। तो बट यहाँ पर इसकी इसी लोकेशन को बेहतर प्रूफ करने के लिए, इसी लोकेशन को बेहतर प्रूफ करने के लिए गुड मूव है बी फाइव। तो ये एक प्रकार से एक दूसरे तरह का शतरंज है जहाँ पर जो मोहरा जहाँ रखा है आप वहीं से ही उसको खोल देते हैं तो वो वहीं से अपने आप गेम में आ जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पोजिशन में लाने से। तो बी फाइव, नाइट ई सेवन, अच्छा यहाँ पर ओपन नहीं किया हरी कृष्णा ने, क्योंकि अगर ओपन करने के लिए जाते तो ये रुक ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता और नाइट को तो अल्टीमेटली हटना ही होता, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नाइट डायरेक्ट हटाएंगे, फाइल ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसका फायदा लेते हुए वेस्ली सो ने सी फोर खेल दिया, मतलब सीधे सीधे वो बढ़त की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। डी फोर क्लोज करने का निर्णय लिया सेंटर को यहाँ पर हरी कृष्णा ने, जवाब दिया नाइट डी फाइव, तो नाइट एक्सचेंज नहीं किया यहाँ पर, वरना स्थिति अच्छी नहीं होती क्योंकि सी फाइल भी ओपन हो जाती। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसमें किसी भी तरह की स्थिति देखें, जैसे अगर इस तरह का हम कुछ देखें तो ये अच्छी स्थिति उतनी नहीं कही जाएगी, कहीं ना कहीं इस फाइल पर जो है वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अभी तो खैर S3 पे थ्रेट है, तो किंग एच टू वगैरह खेल करके इस खेल में सी फाइल पर जो दबाव है वो बढ़ जाता, तो इसलिए एक्सचेंज नहीं किया यहाँ पर नाइट जी सिक्स। सो रुक के बी वन, अब आइडिया है कि रुक को एक्टिवेट करना है। ओके, ए इंटू बी फाइव, रुक इंटू बी फाइव, बी सेवन पे प्रेशर है अभी, सी सिक्स मूव, बट यहाँ पर गुड मूव नाइट बी सिक्स, क्वीन ई सेवन हटे तो रुक बी वन हट गए। अब एक बार जैसे यहाँ पर हरिकृष्णा ने नाइट एच फाइव खेला, अब स्थिति को अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रेशर दिख रहा होगा। अच्छा, ये पॉन भी अगर ये पॉन जाती है कभी तो ये पॉन एक पास्ट पॉन बन सकती है, जैसा कि मैच में हुआ भी आगे। ठीक है, और अगर ये पॉन जाएगी तो आपकी ये पॉन भी कमजोर हो जाएगी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये पॉन स्ट्रक्चर में मतलब सफ़ेद की तरफ से स्थिति जो है वो बेहतर हो जाएगी अगर मैच लगातार चलता रहा, धीरे धीरे चला। इस बात को भांपते हुए हरी कृष्णा ने अपनी एक अलग ही तैयारी करके रखी। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे तो वेस्ली सो ने जी3 किया एफ फोर स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, बट हरी कृष्णा ने यहाँ पर खेला रुक एफ सिक्स, और इसी के बाद मैच रोचक होना शुरू हो गया। क्वीन डी बनाया यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसा कि रूल भी है कि किंग के पास जो है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मोहरे नजर आना शुरू हो गए हैं, और अगर एक आध कुछ सेक्रीफाइस आ जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो हरी यहाँ पर चौकन्ने भी है वेस्ली सो, और उन्होंने क्वीन को वापस इस डायरेक्शन में लेकर के आए बजाय कि नाइट को अपनी जगह से हटाने के। और ये वो मौका था जब अपना नाइट सेक्रीफाइस किया हरी कृष्णा, तो ऐसा लगा कि मैच में कुछ अलग होने जा रहा है। ओके, उन्होंने यहाँ पर कैप्चर किया, जवाब दिया नाइट एफ फोर। अब आप इस नाइट को देखें, भले एक नाइट कम है यहाँ पर बोर्ड पर, लेकिन फिलहाल ये नाइट कुछ कर नहीं रहा है, ये नाइट थोड़ा कमजोर नजर आता है और ये नाइट बहुत ही पावरफुल है। ये रुक बहुत जल्दी एक्टिवेट हो रहा है, ये क्वीन बोर्ड पर आ रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्लैक ने लगभग यहाँ पर
एक मोहरा देते हुए भी थोड़ा कंपनसेशन ले लिया, लगभग बराबरी की स्थिति है कि यहाँ पर गुड मूव खेला, तुरंत किंग एच टू खेला वेस्ली सो ने, तो यहाँ पर एक मूव आ रहा था जो कि हम कल देख रहे थे, वो था रुक एफ एट। जब ये मैच चल रहा था, रुक एफ एट क्या करने वाला था कि इसके बाद जब हम रुक जी सिक्स हटेंगे तो एफ फाइव तुरंत आकर के ये रुक भी एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन खैर बोर्ड पर ये नहीं हुआ, बोर्ड पर डायरेक्ट रुक जी सिक्स खेला यहाँ पर। जैसे ये रुक जी सिक्स खेला, ये थोड़ी सी गलत चाल थी, यहाँ पर तुरंत ही न्यूट्रलाइज करते हुए रुक एफ वन लेकर के आए और रुक जी वन लेकर के आए, रुक इंटू जी वन, नाइट इंटू जी वन, और यहाँ पर रुक डी सिक्स अगले रुक को एक्टिवेट किया, क्योंकि हरिकृष्णा के पास यहाँ पर और कोई मौका नहीं, आप पीस दे चुके हैं, आपको जो करना है किंग की तरफ हमला करना होगा, यहाँ पर आप रुक के नहीं खेल सकते, आपको लगातार हमलावर रहना होगा। यहाँ पर नाइट सी एट खेला वेस्ली सो ने, तो एक्सचेंज जाता हुआ नजर आता है, लेकिन क्वीन एच फोर आ रहा है, क्योंकि क्वीन एफ टू आ रहा है जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो फिलहाल एक्सचेंज लेना पॉसिबल नहीं है, तो क्वीन एफ थ्री एंड नाउ रुक जी सिक्स, यहाँ पर रुक डी एट भी चाल हो सकती थी, कंप्यूटर भी यही कहता है, लेकिन दरअसल मेरा मानना भी यही है कि इतना आसान नहीं था प्रैक्टिकल प्ले में ऐसा खेलना बोर्ड के ऊपर, और हरिकृष्णा ने कंटिन्यू किया उनका जो प्लान था, तो उसको लेकर के वो कोई कन्फ्यूजन में नहीं थे। ये एक बात सीखने की भी है ग्रैंड मास्टर से, कई बार हम क्या होता है कि हम कंप्यूटर और इंजन के सहायता से देखकर हमें लगता है कि हमने यहाँ पर गलत खेला, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपने जो प्लान बनाया था आपको उस प्लान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो चाल बताता है वो पूरी तरह से बेस्ट डिफेंस जो उसके तरफ से हो सकता है पॉसिबल, और उसके वेरिएशंस के हिसाब से बताता है। ह्यूमन जो हम कर सकते हैं, अगर हम उस डिफेंस में जाएंगे तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, और शायद हरिकृष्णा हार जाते अगर रुक डी8 खेलते तो। तो रुक जी सिक्स के साथ उन्होंने अटैक बनाए रखा, उनका जो प्लान था उसको कंटिन्यू किए रखा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो अमेच्योर प्लेयर और बड़े खिलाड़ी में अंतर डालता है। अमेच्योर प्लेयर बार बार अपने प्लान बदलता रहता है, जबकि जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो अपने प्लान को लेकर के कमोबस जो है वो स्थिर रहता है और उसी के साथ जाता है। ओके, रुक बी सेवन पॉन चला गया, ए फाइव पॉन पासर हो चुका है, तो तुरंत यहाँ पर रुक जी टू कोई चाल नहीं थी, मतलब अब स्थिति में हम देखें तो टेक्निकली मतलब अगर हम काउंट करें तो ब्लैक लॉस्ट होना चाहिए, क्यों, दो नाइट हैं रुक है, लेकिन और साथ साथ ये पास्ट पॉन भी है और सी सिक्स का पॉन भी वीक है, तो टेक्निकली ये मैच वाइट के लिए विन होना चाहिए, कंप्यूटर भी यही कहता है कि ये मैच वाइट के लिए विन है, लेकिन कैसे, दिक्कत ये है कि क्या इनके बीच कोऑर्डिनेशन सही है, और विश्व नंबर पाँच होने के बाद भी वेस्ली सो बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं जमा पाए, एकदम उमदा चालें नहीं चल पाए और मैच नहीं जीत पाए, मैग्नस कार्लसन होते तो शायद जीत जाते, लेकिन वेस्ली सो के लिए संभव नहीं हुआ, और हरिकृष्णन ने बहुत ही अच्छे से सही चालें ढूंढते हुए मैच को ड्रॉ कर लिया। देखते हैं मैच कैसे ड्रॉ हुआ, क्वीन जी फाइव चेक, किंग एच वन, क्वीन डी टू, अब यहाँ पर खतरा उन्हें नजर आ रहा था कि ये पॉन्स उनके जा सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस पॉन को देने का निर्णय किया ए फाइव चलते हुए, और इसके बाद हरिकृष्णा को बड़ी राहत मिली क्योंकि कम से कम एक पास्ट पॉन गया बोर्ड के ऊपर से। यहाँ पर भी शायद नाइट डी सिक्स एक बेहतर चाल हो सकती थी, क्योंकि उसके बाद एफ सेवन में प्रेशर है और अगली हमारी चाल होगी नाइट एफ फाइव। खैर उन्होंने जवाब दिया यहाँ पर किंग एच सेवन एंड यहाँ पर नाइट सी सिक्स, जो कि कहा जा रहा है कि गलती हो गई, अगर नाइट एफ फाइव जाते तो ज़्यादा अच्छी चाल होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए क्वीन डी टू भी जाते हैं तो रुक एफ सेवन, क्वीन डी थ्री, तो कुछ अच्छी मूव लगातार चलनी पड़ती, जैसे किंग को पहले चलना है वरना ई फोर पर चेक आ जाएगी अगर आपने रुक इन टू जी सेवन मारा, तो इस तरह से मैच जो है थोड़ा आगे बढ़ता और कुछ इस तरह समझाऊँ रुक डी सेवन, जहाँ तक मुझे लगता है हाँ ये एक पोजीशन बन सकती थी जहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉन आगे बढ़ नहीं सकते, बट इस तरह से बोर्ड पर सोचना ये सब कुछ भी आसान बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गलती हुई उन्होंने नाइट सी सिक्स के, और इसके बाद मुकाबला जो है हरिकृष्णा ने आसानी से ड्रॉ पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने ये जो पॉन्स देते हुए और ना तो रुक को स्टेबल होने दिया, उसके बाद अपना पॉन प्रमोशन चालू कर दिया, उसके बाद नाइट एफ थ्री, और अल्टीमेटली उन्हें जो है अपना नाइट देना पड़ा और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए सहमत हो गए। तो एक शानदार जीत मैं कहूँगा पेंटाला हरिकृष्णा की, सॉरी शानदार कहूँगा तकनी एक प्रकार से कहें कि मानसिक जीत कहेंगे, क्योंकि काले मोहरे से खेल रहे थे, और ये ड्रॉ जो है उन्हें निश्चित तौर पर अगले राउंड में और उत्साह के साथ बढ़त के साथ लेके जाएगा। देखना होगा कि आज के मुकाबले में हरिकृष्णा कैसा खेल खेलेंगे। तो दोस्तों यूं ही देखते रहे चेस बेस इंडिया चैनल, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ हमारा जो नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है चेस बेस इंडिया ऐप, उसको डाउनलोड करना ना भूलें, उससे आपको सारी अपडेट मिलेंगी शतरंज से संबंधित। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।